फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन वन के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, नथिंग। फ्रेंड्स, इस फ़ोन का नाम नथिंग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एवरीथिंग, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, कंपनी ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है मार्केट में नथिंग फोन वन के लिए कि इसका एक भी पीस, जब भी ये आएगा, इसकी डेट बताने वाला हूँ कि कब ये रिलीज़ हो रहा है, कब आपको देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस क्या रहेगी और इसके जो स्पेसिफिकेशन है फ़िलहाल आपको पता चल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने हाथ में ऐसे ले लेके, ओनली खाली इमेज को ले लेके आपको इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो दिखा दिए होंगे। और यहाँ पे आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स, एक भी इंडियन यूट्यूबर को अभी तक नथिंग फ़ोन के रिव्यू का यूनिट अभी तक नहीं मिला है, जबकि आपने देखा होगा अभी टेक्निकल गुरुजी या फिर जितने भी टेक बर्नर, हर किसी ने इसका रिव्यू कर दिया है, पर एक भी इंडियन यूट्यूबर को अभी तक इसका एक भी यूनिट नहीं मिला कि भाई वो रिव्यू कर सके। खाली आप देखोगे यहाँ पर इमेज में, किसी के हाथ में, किसी के कहाँ पे आपको नथिंग फोन दिख रहा होगा, पर अभी तक किसी भी यूट्यूबर को यहाँ पर नथिंग फोन का रिव्यू करने के लिए नहीं मिला। बस यहाँ पे जो यूके बेस्ड यूट्यूबर है उनके पास ये सेट आ चुका है, और कुछ स्पेशल जो इसके बारे में है वो आपको बताने वाला हूँ, कब ये रिलीज होगा, क्या प्राइस सेगमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पॉजिटिव चीज़ इस फ़ोन की जो है नथिंग की, वो है कि ये जो है चाइनीज़ बेस्ड कंपनी नहीं है, चाइनीज़ बेस्ड फ़ोन नहीं है, ये यूके बेस्ड फ़ोन आपको मिलेगा। तो एक पहली चीज़ तो ये बिल्ड क्वालिटी आप समझ ही सकते हो, अगर ये यूके बेस्ड है तो सब कुछ आपको इसमें जो है अच्छा मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसमें आपको बताऊं तो थोड़ा पहले इसका जो स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, नथिंग फोन वन जो है 5G बेस होगा, और यहाँ पे आपको 6.5 OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 778G प्लस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है LPDDR5 UFC 3.1 देखने को मिलेगा, और एंड्रॉयड जो है इसका 12 पे बेस होगा। और अगर आप कैमरे की बात करो तो यहाँ पे आपको जो है 50 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल इसमें आपको जो है बैक कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरे की बात करो तो यहाँ पे आपको जो है 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा को देखने को मिल जाएगा। और इसमें चार्जर शायद आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ सकता है जैसे कि अभी बताया गया। और 7.55 mm थिक फ़ोन है, आप समझ सकते हो कि इसकी थिकनेस कितनी हो, कितनी पतला फ़ोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर इसकी वेट की बात करोगे तो 199 ग्राम इतना इसका वेट है, कितना ज़्यादा जो है ये लाइट वेट वाला फ़ोन है। और अगर स्टोरेज की बात करो, 8+128GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसका जो एक प्राइस सेगमेंट होगा, किस प्राइस सेगमेंट में आपको जो है ये फ़ोन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर ये फ़ोन फ्रेंड्स आपको 32 से 34 के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ इसकी जो है प्राइस इतने में अभी रखी गई है, जो कि न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और अब बात करते हैं कि भाई ये जो फ़ोन इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है, आप देखोगे बहुत सारे आपको वीडियोस ट्विटर पे देखने को मिल गए होंगे, यूट्यूब पे देखने को मिल गए, इसका जो बैक साइड है वहाँ पे पूरा जो लाइटिंग कर रखी है, इतना मस्त कर रखा है कि भाई एक टाइम पर आप ज़रूर सोचोगे कि भाई इस फ़ोन को तो लेना ही है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, 12 जुलाई को ये फ़ोन जो है रिलीज़ किया जा रहा है, इसका जो रिलीज़ डेट है 12 जुलाई को है, पर पूरी कंट्री में है या फिर पूरे जो है वर्ल्ड में है वो अभी तक मैं नहीं बता सकता, कि अभी तक इतनी न्यूज़ निकल के आई कि 12 जुलाई को आपको ये जो फ़ोन है देखने को मिल जाएगा, और 32 के आसपास जो प्राइस सेगमेंट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दिया है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही किसी भी इंडियन यूट्यूबर के पास इसका पहला यूनिट आता है, उसके बाद जब उसे यूज करता है तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका जो स्पेशल जो कि भाई यूज करने में कैसे रहता है, गेमिंग के लिए कैसे है, और इसका जो कैमरा है वो कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी जितने भी यूट्यूबर, चाहे वो इंडियन हो, इंडियन यूट्यूबर जितने भी हैं, वो जो भी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ एक न्यूज़ निकल के आ रही है, लीक हो रखी है, उसके थ्रू आपको जो है यहाँ पे वीडियो बना के दे रहे हैं, पर अभी तक कोई यूनिट नहीं आया। तो जब किसी के हाथ में आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि असली में जो नथिंग फ़ोन है उसमें कितना कुछ है। तो वीडियो आपको कैसे लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और आप क्या इस फ़ोन के लिए वेट कर रहे हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।